नमस्कार, आज हम खड़े हुए हैं जहां कलेक्टर ऑफिस में शहरभर, जहां पर कई प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म भरे, जिसमें आतिफ अकील भी अपना फॉर्म भर के गए हैं और सऊद बड़े बैंड बाजा के साथ आए और उन्होंने अपना फॉर्म भरने के लिए आए हैं। और हमने देखा सरदार जी भी गोंडवाना पार्टी से आए थे, उन्होंने भी अपना फॉर्म भर के गए। और सबनानी, भगवान दास सबनानी दक्षिण पश्चिम से खड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपना फॉर्म भरा भारतीय जनता पार्टी से। अब देखते हैं पीसी शर्मा के सामने यह टिक पाते हैं कि नहीं। S24 के लिए एस के मालवीय की एक खास रिपोर्ट। धन्यवाद देगा, खूब काम करना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की महत्वपूर्ण सीट है, इस पर जो अपेक्षित काम होना चाहिए थे शायद उसमें कोई कमी रह गई है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी को दी जाएगी, ये ऐसा विश्वास है। जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और सारे लोग सीधा करते काम करते पूरे भारत का, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मध्य प्रदेश का अगर कायाकल्प हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, और केंद्र में अगर कायाकल्प हुआ है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल फीता काटने का काम वो लोग करते हैं जिनकी आप बात करते हो। भारतीय जनता पार्टी केवल काम में विश्वास करती है, विकास विकास और विकास हमारा एजेंडा होता है। सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा, परिवर्तन बहुत जरूरी है, परिवर्तन सरकार के नियम है, युवा देश की बात हम लोग करते हैं लेकिन सालों सालों तक सीट पे कब्जा जमाए देते हैं। परिवर्तन बहुत जरूरी है तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। गोविंदपुरा में आप क्या परिवर्तन करेंगे आप अगर आप जीतते हैं तो? सबसे पहले तो मैं युवाओं की आवाज बनूंगा, सबसे पहले युवाओं को नशे से अलग करूंगा, खेल की तरफ ले जाऊंगा, शिक्षा की तरफ ले जाऊंगा, संस्कृति की तरफ ले जाऊंगा। उत्तर विधानसभा में अपनी ताकत दिखाते हुए आतिफ अकील ने फॉर्म भरा और वो बड़े बैंड बाजे के साथ फॉर्म भरकर वापस लौटे। बगावत कर ली है, नादान समझ मुस्लिम को लहरों में बगावत कर ली है, हम मरवाने हैं मौत से मरने का किसको खबर रहा। आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाते हुए बड़े धूमधाम से पर्चा भरा और जाते हुए यह सज्जन सिंह परमार के लिए गोविंदपुरा।
में मध्य प्रदेश का महासचिव भी था, इस्तीफा देकर कांग्रेस में आ गया हूँ मैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमने कांग्रेस से जो मांग रखी थी कम से कम 5 टिकट दिए जाएँ मुसलमानों को, वो देने के बजाय एक दिग्विजय सिंह जी ने हमारा बुरहानपुर का टिकट वो कटवा दिया, वो हमें तकलीफ हुई। अब क्या लगता है आपको, कांग्रेस बीजेपी या हिंदू मुसलमान? इस वक्त देखो शकित खा चुकी है बीजेपी कमलनाथ जी के आगे, क्यों कमलनाथ जी इन्होंने पहले हाईजैक करी थी कांग्रेस, ये जीते नहीं थे कांग्रेस सत्ता को हाईजैक करके जीते बनाई पार्टी इन्होंने, वो पहले इन्होंने उमा भारती को हटाया है ना उससे हटाया, उसके बाद अब कांग्रेस को भी इन्होंने हाईजैक करके इन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन वो भी शकित खा गए। और अब ये लड़ाई जो है बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचे और मियां को नुकसान पहुंचे। आप देखें कि आरोप लगा दिया दिग्विजय सिंह पे, जी हाँ, फिर क्या चुनाव क्या हो रहा है, दिग्विजय सिंह वर्सेस कमलनाथ हो रहा है या दिग्विजय सिंह कमलनाथ वर्सेस बीजेपी हो रहा है? नहीं, कमलनाथ तो दिग्विजय सिंह हो रहा है, कमलनाथ तो पावरफुल है, वो बीजेपी शक्ति खा चुकी है ये, क्योंकि हाईजैक बीजेपी ने कहा था कांग्रेस को पहले भी जीत चुके थे वो, अब लेकिन जहाँ दिग्विजय सिंह जाएंगे वहाँ मंच पे 10,000 वोट खत्म हो जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो सरकार जो है कांग्रेस सरकार नहीं बन रही है? कांग्रेस सरकार बन रही है, हमारी जो पुरानी सीटें हैं ये दिग्विजय सिंह की देन है, जो कि उत्तर विधानसभा है मध्य, ये पुरानी सीट जा रही है, बड़ा अफसोस है हमें ये, वो बाकी और सीटें हमें आ जाएंगे, जो कमलनाथ जी ने जो हमारे कहने में टिकट दिए थे वो हम जीत रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात, लेकिन कुछ सीटें पुरानी जो, लेकिन दिग्विजय सिंह समर्थक कहना ये है कि जहाँ जहाँ दिग्विजय सिंह टिकट दी वो सीट जीत रहे हैं, जब कमलनाथ दी वो सीट हार रहे हैं। नहीं, हार रहे हैं पूरे, आप दिग्विजय सिंह बताइए, आप आतिफ अकील का कांग्रेस के नेता नहीं है भाई, उत्तर विधानसभा में नासिर इस्लाम है, सैयद साहिद अली है, इतने तो वो यंग नेता है नहीं, क्या सबूत देते आप? तो सब आरिफ अकील भी तो काम कर रहे हैं, आरिफ अकील ने बताया क्या काम करा, लॉकडाउन में एक बार बाहर नहीं आए, अगर आया मसूद आ तो खाना खिला दिए, चंदा का खाने से क्या होता है, तरक्की बताओ क्या करिए आप। तो क्या लग रहा है आपको कि दिग्विजय सिंह इतने लोग हैं ये सिर्फ क्या है, मतलब दिग्विजय सिंह नाम पे वोट मांग रहे हैं? दिग्विजय सिंह की आप सीटें गिनना आ रहे हैं, जैसे रीवा दिलवाया रीवा आ रहे हैं अपन दिग्विजय सिंह है ना, और उसके बाद शमशाबाद हम जीत रहे हैं, कमलनाथ जी की देन है, सोन वाली कमलनाथ जी जीत रहे हैं, अपना कोरवा जीत रहे हैं, ये कमलनाथ जी ने जो अच्छा निर्णय लिया है वो अपन जीत रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह ने बीजेपी जिताने में जो माहौल बनाया था वो हमें अफसोस है कि इन्होंने। तो इस बार कांग्रेस सरकार कांग्रेस के बनने या समर्थन से बनेगी? नहीं, कांग्रेस सरकार फुल बन रही है, तो फिर इसमें जो दिग्विजय सिंह लोग वो कहाँ जाएंगे? दिग्विजय सिंह हटा देंगे, हम तो चाहें ये चले जाएं, पाक हो जाएगी पूरी कांग्रेस, अगर दिग्विजय सिंह चले जाएं कांग्रेस से तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। अभी तक जितनों में इस्तीफा दिया है कांग्रेस के अच्छे नेताओं ने, संजय पाठक हैं ये लोग, सिर्फ दिग्विजय सिंह परेशान हो गए ये लोग, सिंधिया किससे पास क्या लग रहा है आपको कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए आप अभी साफ है? नहीं, दिग्विजय सिंह जी सिर्फ हाथ यहाँ रहता है उनका और दिल रहता है बीजेपी के, उसमें मतलब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए अभी साफ है? हाँ, साफ है। क्या वजह थी कि समाजवादी पार्टी छोड़ के आपने एक दूसरी पार्टी मतलब ज्वाइन कर लिया? समाजवादी पार्टी की सोच भी कांग्रेस और बीजेपी की तरह हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने भी 3 लोगों को दिए और हमारे कहने पे हमने ना कहते 11 लोगों के नाम दिए थे, उनके नामों में टिकट नहीं दिए, इसलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल दलित और वर्ग के मुसलमान हैं, दलित हैं, हर वर्गों को दूर रखा, सिर्फ ज़्यादा समाज को ज़्यादा आगे रखा समाजवादी पार्टी ने। आपने उस पार्टी पे एक समाज का आरोप लगा दिया है, क्या लग रहा है आपको, अब क्या वो पार्टी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी? सिर्फ सपा, बिल्कुल सपा। तो आज से आपका चुनाव बिल्कुल शुरू जी बजा दिया आपने, अब आपसे मिला जाएगा क्षेत्र के अंदर। जय भीम जय भीम। विवेक परिहार जी, विवेक परिहार जी से जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ही क्यों और विधायी का ही चुनाव क्यों? देखिए, हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, उसका शुरू से उद्देश्य रहा है कि समानता का अधिकार और समाजवाद और जातिगत से धारणा से उठ के जो है समानता सबको अधिकार दिया जाए, इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को चुना। और गोविंदपुरा विधानसभा में चुनाव लड़ने का मैंने इसलिए निर्णय लिया कि 40 से 45 साल से देखिए आप एक ही परिवार जो है गोविंदपुरा विधानसभा को चला रहा है, तो एक नए व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए ताकि जो विकास कार्य जो हैं, जो रुके हुए विकास कार्य हैं, जो पिछले 20 साल से देख रहा हूँ जो रोड जैसी थी वैसी स्थिति है, जो हेल्थ की व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल से जो जितने थे उतने ही हैं, कोई नई व्यवस्था भी हो नहीं पाई, अभी एक हॉस्पिटल 100 बेड का जो है अप्रूव किया परंतु वो बना नहीं है। तो मैं विधायक चुनाव इसलिए लेना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में एक तो सड़कों का निर्माण अच्छा करूँगा और हेल्थ जो व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो अच्छी करूँगा। सबसे ज्वलंत मुद्दा जो आपके पास है वो क्या है? वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है सड़कों और स्वास्थ्य और सड़क, ये गोविंदपुरा में बहुत बुरी स्थिति है, स्वास्थ्य की बुरी स्थिति है, स्वास्थ्य में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है और सड़कें जो हैं आप देखेंगे गोविंदपुरा में एक भी सड़क अच्छी नहीं है। मान लीजिए आपको गोविंदपुरा की मतदाताओं का आपको जो आशीर्वाद मिला, आप विधायक बन गए, तो 5 साल तक आप ये कहेंगे लोगों से
कि साहब इसके पहले जो 35 साल तक विधायक रहे हैं उन्होंने भी तो सड़कों का निर्माण नहीं करा, अब आपने हमको 5 साल दिए तो आप हमारे पर मतलब ये राशन पानी लेकर के सवार हो गए कि साहब ये सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं, यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ सीवेज लाइन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो स्कूलों की मतलब स्थिति जो दयनीय है, तो उसके लिए आपके आपने क्या मतलब ये रोड मैप तैयार किया? देखिए ये जो शासन की व्यवस्था है इनको लाना जो है एक विधायक का काम होता है, अगर विधायक आपका जो है विधायक आपका एक्टिव है और तेज है तो कहीं ना कहीं शासन से आप योजनाओं को आराम से खींच के ला सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपकी विधायक दीदी है तो आप इतने ही काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप बहुत एक्टिव हैं, आप जनता के बीच में आपकी मार पकड़ अच्छी है और शासन में आप एक्टिव रहते हैं, अपनी उनकी आवाज़ जो है जनता कैसे उठा सकते हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है काम विकास कार्य जो उनको बहुत शीघ्रता से कर सकते हैं। जनसेवा के लिए राजनीति ही क्यों, कुछ और भी माध्यम हो सकता है जनसेवा का, वो क्यों नहीं चुना आपने? देखिए राजनीति के बिना जो है आप जनसेवा करना बहुत मुश्किल है, आपको सिस्टम चेंज करने के लिए पहले तो सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा और सिस्टम का पार्ट बनने के लिए आपको राजनीति जो है में आना पड़ेगा। आपकी नज़र यहाँ के डेवलपमेंट पे है या MLA की जो डेवलपमेंट का जो उसको फंड मिलता है उस जैकपॉट पे है? देखिए सबसे जो प्राथमिकता मैं आपको बता रहा हूँ और जो मेन चीज़ है, देखिए मैं ऑलरेडी डॉक्टर हूँ और मैं सब चीज़ों में सक्षम हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सब चीज़ों में सक्षम हूँ, तो जनता का विकास करना, गोविंदपुर की जो जनता है जो पिछले 40 साल से त्रस्त है लोगों से, उनसे छुटकारा दिलाना ये मेरा उद्देश्य है।